अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज हम करेंगे दीमक की ट्रीटमेंट, क्योंकि दीमक ने हमारी चारपाई खराब कर दी है, तो इसकी हम करेंगे ट्रीटमेंट। क्योंकि ये 4 माह पहले मैंने चार पहिए बनवाई थी, तो एक कमरे में रख दी थी, तो वो कमरे में पड़ी रहने की वजह से इसको लग गया दीमक। तो अभी हम इसका खत्म करेंगे दीमक। वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि इसमें आपका फायदा जरूर होगा। उसकी वजह यह कि आप अगर गांव में रहते हैं तो आपके पास चारपाइयां और फर्नीचर वगैरह होगा, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके पास फर्नीचर जरूर होगा। अगर आपका फर्नीचर खराब हो रहा है तो हमारी वीडियो पूरी वॉच करें, तो हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन सा केमिकल इस्तेमाल होना है और किस तरीके से इस्तेमाल होना है। हमने आपको केमिकल भी बताना है और तरीका भी बताएंगे, इस्तेमाल करने का तरीका भी बताएंगे। तो आप घर बैठे अपने लकड़ी के दीमक को भी खत्म कर सकते हैं, आपकी चारपाई के दीमक को भी खत्म कर सकते हैं और अपने फर्नीचर के दीमक को भी। तो ये देखें, ये जो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर दीमक है, क्योंकि इस लकड़ी के अंदर दीमक लग चुका है। तो ये दीमक ने अंदर से लकड़ी को पाउडर बना बना के ये बाहर निकालना शुरू कर दिया है। ये देखें, ये पाउडर। तो अभी हम इसकी पहले करवाएंगे एडजस्टमेंट, उसके बाद दीमक को खत्म करने वाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे, जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे पॉलिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई आ चुके हैं, तो अभी हम काम करते हैं स्टार्ट। ये चार पाइयां हैं, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्राइंडर लगा रहे हैं, हमने इसको ग्राइंड किया, तो अभी हम कर रहे हैं इसको ग्राइंड। तो ग्राइंडर हमारा लग चुका है, हम शुरू करते हैं चार पाई के एडजस्टमेंट। एक हमारे चार पाई खाली कर चुके हैं, तो दूसरी चार पाई की हम एडजस्टमेंट करते हैं। ये गफलत करने की वजह से ये चार पाई जो है ना, इसके पाइयां वगैरह टेढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भाई इसको अच्छी तरह एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएगी। तो
तो अभी हमारे दो चारपाइयों की एडजस्टमेंट हो गई है, अभी हम कर रहे हैं तीसरी चारपाई की एडजस्टमेंट। तो एक चारपाई का ये टूट चुका है, तो अभी हम इसका दसवीं तैयार कर रहे हैं। तो चारपाइयों की एडजस्टमेंट हो चुकी है, ये सारी चारपाइयों की एडजस्टमेंट हो गई है। ये है चाक मिट्टी, ये इतना सा हमने डाला है चाक मिट्टी। तो अभी हम केमिकल मिक्स करेंगे। ये क्या है? कलर है। यह है कलर, जो लकड़ी का ओरिजिनल कलर होता है वो अभी हम इसमें कलर मिक्स करेंगे। तो अभी इसमें डालेंगे ये पानी। अभी हम इसको करेंगे मिक्स। ये है लाल कलर, लाल कलर इसमें और ऐड कर रहे हैं। अभी हम डालते हैं पानी। तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं ग्लू, क्योंकि ग्लू भी इसमें इस्तेमाल होती है। ये पांच चार पाइयों का जो है ना माल बना रहे हैं। आपने अपने हिसाब से इसको बनाना है, क्योंकि मैं आपको पता होगा कि एक फर्नीचर है या एक चार पाई है या दो चार पाई है, हमारे पास है पांच चार पाई, तो हम उस हिसाब से ये बना रहे हैं। तो फिटिंग हमारी तैयार हो चुकी है, तो अभी हम इसका लगाएंगे, एक बोर्ड लगाएंगे इसका। चारपाई को शुरू कर दिया है, पहले उस चारपाई को कर रहे थे, तो कुछ उधर लगा लिया है और अभी इधर लगा रहे हैं। वो जब सूख जाएगा तो जो जगह रह गई है तो वहां फिर लगाएंगे। तो अभी खाने का वक्त हो चुका है, आओ सारी खाना खाओ। अगर आपने खाना खाना है तो आए बिस्मिल्लाह करें। ये जो पहली चार पाई के ऊपर पुटीन लगाया था वो अभी पुटीन सूख चुका है, तो रेगमार के जरिए इसको उतार लेते हैं। तो अभी हम लगाएंगे दीपक को टीका। इसके अंदर मिट्टी का तेल है, तो मिट्टी के तेल को इस तरह ना सुराखों के अंदर ऐसे डालना है, तो इससे जो है वो दीमक का खात्मा हो जाएगा। तो दीमक अब तुम्हारी खैर नहीं है। दीमक सब खत्म हो जाएगा।
सराकी में इसको सुसरा कहते हैं, उर्दू में इसे दीमक कहते हैं। तो ये सारा दीमक खत्म हो जाएगा। इसकी सारी चारपाई को हमने इस तरह टीके सारे लगा लिए हैं, तो ये सारी चारपाई मुकम्मल हो चुकी हैं, तो आंदा दीमक नहीं लगेगा। तो अभी हम करेंगे इसके ऊपर पॉलिश। अभी हम इसमें कलर मिक्स करेंगे, पीला सेना, यह मिट्टी का तेल। अभी हम इसमें मिट्टी का तेल मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें मिक्स करेंगे वार्निश। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर, तो अभी हम लगा रहे हैं इसको अस्तर। अस्तर हमारा मुकम्मल हो चुका है, तो अब हम शुरू करते हैं पॉलिश। तो अभी हम कलर मिक्स करना शुरू कर रहे हैं। ये कलर है टाली सेना। अभी हम ऐड करते हैं सिपरेट। अभी हम इसमें ऐड करेंगे लाल टाली कलर। अभी इसको मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो रहा है, तो फाइनल हमारा कलर शुरू हो चुका है। तो ये है आखिरी सिक्स, ये लास्ट कलर। इसके बाद चारपाई मुकम्मल हो जाएगी। ये हम डाल रहे हैं चंद्रस। ये कलर के ऊपर लगा रहे हैं चंद्रस, क्योंकि ये कलर के ऊपर लगाने का मकसद ये चमक, लकड़ी जो है वो चमक पकड़ती है। ये रंग भी पकड़ता है और चमक भी पकड़ता है। तो कलर हमारा फाइनल हो चुका है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।